क्या मामला है? लोगों ने महिला कोटेदार के घर में घुसकर की छेड़छाड़, विरोध करने पर की मारपीट। आपको बताते चले कि दबंग लोगों ने महिला कोटेदार और पुत्री गुड़िया निवासी ताहूर से की घर में घुसकर छेड़छाड़ मारपीट कर भागे। पीड़ित महिला ने न्याय के लिए कन्नौज पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार वर्मा से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला व पुत्री से हो रहे लगातार अन्याय के विरोधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। प्रार्थना पत्र से नाराज होकर आज सुबह पूरे परिवार को जान से मारने और बेटी को घर से उठा ले जाने की धमकी दी। पीड़ित न्याय के लिए गुहार लगा रही है, प्रशासन के चौखट पर उम्मीद लिए बैठी हुई है। पीड़ित महिला पुत्री ने आज महिला थाना व पुलिस अधीक्षक को पेश होकर पुनः न्याय की उम्मीद में प्रार्थना पत्र दिया। अभिषेक तोमर। चुनाव के बाद ये पार्टी बंडी इन लोगों ने शुरू की है। अभी फिलहाल कब इन्होंने मारपीट की? यहाँ आके वो लोग क्या करते हैं? गाली गलौज, पूरा इनको सब फाड़ दी। ये कौन सा गांव है? कोटेदार का नाम क्या है? आप लोग अपने नाम बताएं। जय सिंह, नाम है बेटा आपका? गुड़िया। क्या मामला है? ये देखो पर्ची आई है प्रधान द्वारा, इनके हम क्या राशन दें और मना करते हैं तो रजिस्टर फाड़ देते हैं। रजिस्टर कौन फाड़ जाता है आगे? एक प्रधान के परिवार के ही हैं, गौरव पटेल के ही। आपने मना किया था जब यहाँ पर आके बदतमीजी कर रहे थे? हाँ मना किया था। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने गाली गलौज दी। मामला है 5 तारीख को राशन वितरण हो रहा था तो उसमें मेरी बेटी बैठ के ला दी थी और उसने इन लोगों ने कब्जा किया, मेरी बेटी को मारपीट की और मुझे भी मतलब धक्के धक्के दे दिए। और उसके बाद में जब मैं थाने गया अप्लीकेशन देने तो कोई पुलिस नहीं आई 5 तारीख को। उसके बाद वो मेरा मुकदमा मतलब दिया गया और उसके बाद वो उन्होंने मेरा मुकदमा लिखा गया, उन्होंने दबाव गौरव पटेल प्रधान और आके उनको लेकर आते हैं, हम पे दबाव बनाते हैं कि समझौता ना किया तो तेरी लड़की को उठा लेंगे और तुझे मार देंगे जान से। उस दिन मेरे पति खेत पे गए तो इन लोगों ने गिरफ्तार किया, उनसे भी कहा है मैं मार दूँगा तुझे अगर समझौता नहीं हुआ तो।